पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, श्री वेंकैया नायडू जी, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, रामाशीष जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारी एडवोकेट मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, वानी जी, सुभाष जी, मुखी जी और दोनों मेयर हमारी सविता जी और अन्नपूर्णा जी और पीछे बैठे हुए सभी साथी और दोस्तों, सबसे पहले हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 88 साल के अटल जी से अभी हम लोग मिलकर आ रहे हैं। वे 88 साल की उम्र में जैसा होना चाहिए उस हिसाब से स्वस्थ हैं और बहुत से लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो बहुत बोल नहीं पाते हैं, किंतु परिचित लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं और जब थोड़ा सा ताज़ा महसूस करते हैं तो दो चार शब्द भी बोलते हैं जाके। हम सब उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं कर रहे हैं और आप कहें तो मैं सबकी ओर से ये मांग करना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा पुरुष जिसने इस देश को नेतृत्व दिया, जो एक साहित्यकार है, जो एक कवि, जिसने इस देश को एक मार्गदर्शन दिया, एक विकास का रास्ता दिखाया, एनडीए की सरकार को 7 साल अच्छे चलाया और उससे भी ज्यादा करोड़ों दिलों के अंदर जो उन्होंने प्यार पैदा किया, ऐसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, ये सब हम लोग चाहते हैं। वे हमारे देश के अनमोल रत्न, उन्होंने देश के अंदर जो कर दिखाया वो आज की सरकारें कर नहीं सकती, जिसका परिणाम आज आप सब लोगों को देखने मिला। गडकरी जी यहां बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने बहुत सफलताएं प्राप्त की हैं और सबसे बड़ी सफलता हमने प्राप्त की गुजरात की, कि गुजरात के अंदर तीसरी बार एनडीए की सरकार जो चुनकर आई है उसके लिए भी मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। वो गुजरात का शेर 27 तारीख को 3 बजे हमारे पार्टी के ऑफिस में, पार्टी कार्यालय के अंदर वो आ रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने भी एक विकास का रास्ता दिखाया है और आज जिस अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, मैं दिल्ली प्रदेश को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके का वातावरण इन नई सरकारों ने खड़ा किया है, इस नई यूपीए की सरकार ने खड़ा किया है, उनको एनडीए की सरकार से सबक लेना चाहिए कि विकास किस तरह किया जाता है। लोग पूछते हैं इतनी महंगाई है, अगर एनडीए की सरकार होती तो आप क्या करते? मैं कहता हूं आप ये मत पूछिए कि होती तो क्या करते, जब हम थे तो हमने क्या किया था, महंगाई को ऐसे काबू किया था, देश को सुरक्षित किया था बाहर से भी और अंदर से भी। और आज देश का हालत यह है, मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूंगा आपको कुछ आंकड़े देकर ताकि आपके वो काम आएंगे। हर 22 मिनट के अंदर देश के अंदर एक बलात्कार हो रहा है, हर 22 मिनट के अंदर एक यूपीए की सरकार के अंदर देश के अंदर बलात्कार हो रहा है। विमेंस के खिलाफ जितने क्राइम हो रहे हैं उसमें 10% केवल रेप के केसेस हैं। 2011 के अंदर 12,827 रेप केस थे जिसमें पीड़िता अपराधी को पहचानती थी। 1971 में जनसंख्या बढ़ी 100% के हिसाब से, 1971 से जनसंख्या 100% के हिसाब से बढ़ी, पर रेप के केस 800% से ज्यादा हिसाब से बढ़े हैं। 18 से 30 साल की आयु के अंदर ये ज्यादा रेप के केस होते हैं। 2010 में 24,000 रेप के केसों में चार्जशीट किया और सजा केवल 5,000 लोगों को हुई। 2011 में 26,436 को किया और सजा सिर्फ 5,700 लोगों को हुई। और आज दोस्तों जो ये दिल्ली के अंदर सामूहिक बलात्कार हुआ उसने रोंगटे खड़े किए हुए हैं।